नेताओं के गुर्गों के कारनामों में कमी नहीं आई है। लगातार कागजों में हेराफेरी करके जमीन हथियाने का खेल जारी है। ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज में सामने आया है और इस मामले पर जब भारत समाचार ने एमआई बिल्डर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो फोन नहीं उठाया गया। सत्ता बदल जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन एक बार जिसने सवारी कर ली उसकी हनक कभी नहीं जाती। जिसके मुंह काला बाजारी का खून लग जाता है तो उसका स्वाद फिर कभी नहीं भूलता। कुछ ऐसा ही खेल साल 2014 से 2017 के बीच खेला गया। दरअसल सत्ता में सपा की सरकार थी जिसकी शह पर पार्टी के कद्दावर नेताओं के गुर्गों ने जमकर कागजों की हेराफेरी की और अवैध बिल्डिंगों का बेताज बादशाह बन गया। इसके बाद कादिर अली और कासिम अली ने शुरू किया अवैध फ्लैटों का कारोबार। अर्जुनगंज में निवेशकों से मची लूट। घपला कर बनाया एमआई सेंट्रल पार्क। एलडीए को खिलाई करोड़ों की घूस। अर्जुनगंज के सरसावा में निवेशकों से लूट। सरकार के तत्कालीन जो प्रभावशाली नेता अधिकारियों के दबाव में मेरे से जबस्ती कादिर अली, कासिम अली, एमआई बिल्डर्स वाले और एक कबीर लवी ने मिल के धोखाधड़ी करके दबाव में मेरे से बिल्डर एग्रीमेंट किया था जो 6000 वर्ग मीटर का था। उसके बाद इन्होंने मेरी पूरी जमीन हथिया ली, कब्जा कर ली। उसके बाद इन्होंने नक्शा पूरी जमीन का एलडीए से पास करा लिया, जिसका एलडीए के पास कोई अधिकार नहीं था। कारण यह था कि जमीन एक्वायर्ड थी आवास विकास के उसमें। दरअसल नीलू बुद्ध को यह दर्द राजधानी के अर्जुनगंज में मौजूद 31,000 मीटर जमीन का है, जिस पर सैयद मोहम्मद कादिर अली यानी कि एमआई बिल्डर का कब्जा है, जिसने लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिलकर अपने नाम करवाकर नक्शा तक बना लिया। सरसावा में एमआई बिल्डर का मैप ग्रुप हाउसिंग के लिए 2015 में पास किया गया था और जो भी औपचारिकताएं चाहिए वो उनके द्वारा पूरी की गई थी। उसी के आधार पर तत्कालीन अधिकारियों ने इसको पास किया है। यह तथ्य फिलहाल एलडीए के संज्ञान में नहीं है कि वह जमीन किसी भी प्राधिकरण द्वारा एक्वायर्ड है। अगर यह तथ्य संज्ञान में आता है तो सरकार एमआई बिल्डर और एलडीए ने जालसाजी कर न सिर्फ जमीन को हथिया लिया बल्कि टावर और फ्लैट बनवा कर बुकिंग भी शुरू कर दी, जबकि जमीन का कागजी लेखा जोखा आवास विकास परिषद के तहत आता है। ऐसे में पीड़ित नीलू बुद्ध राजा की मांग है कि एमआई बिल्डर और एलडीए पर एफआईआर दर्ज हो, कादिर अली कासिम अली पर भी एफआईआर हो। पीड़ित बुद्ध राजा ने सीएम से भी शिकायत की है। गोलमाल पर बिल्डर ने साधी चुप्पी। सीएम साहब से गुहार लगाई, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि इसकी कहीं से भी एक सीबीआई से, एसआईटी से कहीं से भी एक निष्पक्ष जांच करा लें और निष्पक्ष जांच कराने के बाद हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करके हमारे साथ न्याय हो, हमारी जो जमीन हमारी हमको वापस दिलाई जाए। मालिक होकर भी जमीन के लिए पति पत्नी दर दर भटक रहे हैं, कभी अधिकारियों के पास तो कभी सरकार से हक के लिए भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब खबर